रात के 4 बजे। कितने बज रहे हैं? पूरे 4 बज रहे हैं, 4:11 और ये बना है बर्गर। ये जुगाड़ू बर्गर है, सीख कबाब का बनाया मैंने योगर्ट सॉस के साथ। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने तो कोफ्ता कबाब खा लिए थे, अब जिब्रान को भूख लग रही थी तो मैंने ये बना के दिया है। बाहर कुछ नहीं खाया था क्योंकि जिस टाइम हम निकले थे, आए हाय यमी यमी लग रहा है ये तो, जिस टाइम हम निकले थे उस टाइम जो है ना खाना खा के निकले थे, और अब बजे 4, भूख लग रही है जिब्रान को। ये मेरी ग्रीन टी है, ये जिब्रान के मैंगोस जिसमें से हाफ मैंने खा ली है, मैंने खा ली है, मैंने आपके लिए रखा है। खट्टा है, मैं खट्टा नहीं खाती, खट्टे हैं ये, खट्टे जिब्रान खाते हैं मीठे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और कैसा रहा आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे, और क्या क्या किया आप लोगों ने, कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या खाने बनाए? यकीनन अच्छे अच्छे खाने बनाए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ जो है ये 14 अगस्त की क्लिप है, और यहाँ पर मैं आई थी धमतल, और ये दोपहर का टाइम है, आई थिंक 2:30 बज रहे थे। तो यहाँ से हमें केक लेना था, मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ जो कनाडा में होते हैं उनका बर्थडे था, तो हमने कहा चलो हम यहीं से सेलिब्रेट करते हैं उनका। तो बस यहाँ पर मैं जा रही थी सिस्टर के घर, वहाँ पर लंच पे उन्होंने बुलाया था, और मेरे खाला खालू आ रहे थे, तो सिस्टर ने कहा आप लोग भी आ जाएं, तो बस फिर हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। वरना हम अमूमन इतनी मतलब लंच पे तो हम खैर बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़रा लेट लतीफ़ लोग हैं, देर से उठते हैं, तो सारे काम ज़रा देर देर से होते हैं ना। तो लेकिन फिर भी हमें पहुँचते पहुँचते 3 बज गए थे, क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग अपलोड करना था जिब्रान से। मैंने कहा रहने दें आगे कर लेंगे, पर जिब्रान को था कि नहीं करके जाएंगे, तो फिर हमें ना पहुँचते पहुँचते 3 बज गए थे। तो बस माशाल्लाह से बहुत रौनक हो रही थी, जैसे आपको नज़र आ रहा है रौनकें थी उनकी साइड पर ना जहाँ मेरी सिस्टर रहती हैं, वरना बीच में रास्ते में तो काफ़ी सन्नाटा था। और एक जगह तो जो है जब हम घर से निकले तो वहाँ पर जो है ना कि एक्सीडेंट भी हुआ था, छोटी सी बच्ची थी, मतलब कि आई थिंक 12-13 साल की होगी, पूरा जो है ना उसके उसका सर फट गया था, वो बाइक से आई थिंक गिर गई थी, और उसके बच्ची रो रही थी और खून बहुत निकल रहा था ना। तो पता नहीं ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो बस अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। इतने लोग खुशियां मनाने के लिए निकलते हैं और ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला सबकी हिफाज़त करे। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने सिस्टर के घर पर, और खाला आ चुकी थी, वो 1 बजे ही आ गई थी, तो वो कहने लगी थी जल्दी क्यों आ गए तुम लोग, तो अमूमन हम लोग लेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ था चिकन हरा मसाला, ये चपली कबाब, और मटन कढ़ाई थी, और ताफ्तान वगैरह जो होते हैं वो था, और ये पुलाव बिरयानी। तो बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। तो ये मैंने रोटी के 1-2 बाइट्स लिए थे, रोटी की भी मज़े लेने चाहिए इसलिए। हेलो, चलो भाई सबके सभी भाई कोने वाले कमरे में के साथ बहुत मशहूर बातों में, चलो भाई हम आपकी पढ़ते हैं। अच्छा भाई सारे घर के बुजुर्ग, सारे घर की बच्चियां हैं, बच्चियां सारी छोटी हो रही है। कितने साल के हुए? 50 साल। बात क्या है, अजरवान कह रहे हैं 40 साल कह रहे हैं, बस कर दो, चले चले भाई बात हम आपको केक काट रहे हैं, चलो सब तेरे पाटे बंद हो गई आज जगह की। Happy birthday to you. Happy birthday.
देख के भाई छुरी है वो। क्या क्या नफा दिया गया केक और आनू इतना सबको खिलाए कैसे केक अभी अच्छा है शुक्र अम्मी ने अच्छा बोला बड़ी बाजी। जी तो बस हम निकल गए थे वहाँ, हम सिर्फ उनका वेट कर रहे थे मैं जो हूँ कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो उठ जाएं तो हम उनका केक कट करके निकलें वहाँ से, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैं इतना लंबा टाइम जो है ना मुझसे रुका नहीं जाता। तो मेरी सिस्टर भी यही कहने लगी मेरे बहनोई को कि ना सिर्फ आपके बर्थडे की वजह से ये रुक गई है, वरना ये इतना लंबा रुकने वाली नहीं थी। हमें मगरिब हो गई थी, मगरिब के बाद निकले थे हम, वरना तो मैं मैक्सिमम 6 या 6:30 बजे हम निकल जाते। तो बस वो उठे हैं, उसके बाद हमने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करी है, उसके बाद बस फिर यहाँ पर जो है ना मेरी खाला खालू भी थे तो बस हम निकल गए घर के लिए। माशाल्लाह से इतनी रौनक ही हो रही थी, ये पार्क था कोई रास्ते में, इतनी रौनक थी। तो बस इतने अरसे के बाद, लॉकडाउन के बाद, बस सारे सब लोग माशाल्लाह से जो है ना वो ऐसा लगा था बहुत जो है ना जोश और जज्बे से उन्होंने, वैसे तो खैर हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जोश और जज्बे से ही मनाया जाता है, लेकिन अभी जो है ना वो कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग घर में बंद थे, तो अब निकले थे तो कुछ अलग अलग सा लग रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था देखने में, क्योंकि आदत थी ख़त्म सी हो गई थी, रात में कभी निकलो तो इतना सन्नाटा होता था। बस वहाँ से मैं अम्मी के घर पर आ गए थे, हम 8:30 बजे आ गए थे मैक्सिमम। उसके बाद जो है ना इतनी गर्मी थी 14 अगस्त को, और ये तो खैर मेरे अपने घर की क्लिप है, मैं रात में आ गई थी 11:30 बजे घर, तो और अम्मी के मैं सो गई थी ना, फिर उठी तो फिर मैं घर आई तो मेरी जिठानी के घर वाले आए हुए थे, तो मतलब ईद पर उन्होंने बुलाया था, तो बस मैं आई तो ये खाना डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, उन्होंने रसमलाई बनाई थी जो कि बहुत ही मज़ेदार थी, एकदम बाज़ार जैसी लग रही थी, और ये टिक्का और ये टिक्के और वो जो कोरमा एंड था जिसका वो जिब्रान खाकर बैठे थे वो मेरी सामने नंद है उन्होंने भिजवाया था, और ये बोटियाँ और ये गोला कबाब और पुलाव ये भेजा था मेरी जिठानी ने बनाया था। तो मेरी नंद ने जो है वो जिब्रान ने उनसे पूछा था आपने क्या बनाया है, क्योंकि सिस्टर ने तो दे दिया था साथ में पुलाव वगैरह, पर जिब्रान का मूड नहीं था खाने का ना, तो मेरी नंद ने कोरमा दे दिया था तो वही खाया था जिब्रान ने, वो भी लेट, जिब्रान को भूख वगैरह तो लगती नहीं है दोपहर में खा लें तो रात में आई थिंक 12 बजे के करीब जिब्रान ने बस वही खाया था। और ये है आज का क्लिप, यानी आज जो है वो कौन सा दिन है भूल जाती हूँ, आज है सैटरडे, और आज मैं जा रही थी अम्मी के घर, आ रही थी बल्कि अभी वॉइस ओवर अम्मी के घर से ही कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो कपड़े भी धुल कर आए थे तो उन सबको भी तय लगा के मैंने रखा हुआ है, अभी इनको कबर्ड में रखूँगी मैं, सब फोल्ड करके मैंने रख लिए थे, क्योंकि जो है ना ये भी बड़ा टास्क होता है भाई, कपड़े अम्मी के आजकल वॉश हो रहे हैं, पानी का बड़ा इशू चल रहा है, तो बस यहाँ से बस मैंने फोल्ड करके रख लिए थे कि बस मैं इनको कबर्ड में सेट कर दूँगी, और यहाँ मैं अपना बैग तैयार कर रही थी जिब्रान के भी, क्योंकि जिब्रान भी साथ में रुके हैं तो यहाँ जिब्रान के ऑफिस के कपड़े भी मैं रख रही थी, क्योंकि अभी अम्मी जाने वाली हैं भाई के घर पे तो सिस्टर अकेले होती हैं, तो इसलिए हम रुकेंगे यहाँ पर, और यहाँ बिजली का बिल मेरा इतना कभी नहीं आता है, और आप देख रहे हैं कितना वो, खैर एसी की वजह से आया है, क्योंकि मैं दिन में एसी बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ, रात में चलाती हूँ तो इतना बिल नहीं आता था, इतनी गर्मी हो गई है कि दिन में तो चल रहा है थोड़ा सा ना, 1-2 घंटा मैं चला ही लेती हूँ। और ये टिक्के बचे हुए थे रात के, अच्छा ये शादी में मैं नंद गई थी उनकी जिठानी की घर, मतलब करीबी शादी थी ससुराली, तो वलीमे का खाना था ये, तो उसमें कोरमा और ये चिकन टिक्के थे, तो मैंने खैर वही खाया था दोपहर में, रोटी वगैरह ब्रेड वगैरह मैंने नहीं खाई थी, थोड़ी आगे पीछे डाइट हो रही है ना इसलिए मैं दोपहर में चाह रही हूँ कि अवॉइड ही करूँ ब्रेड वगैरह। यहाँ जिब्रान सोने लेट गए थे, मेरी क्लीनिंग भी हो चुकी थी, और यहाँ से आगे का व्लॉग इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल मिलेगा, कल है अम्मी के घर पर दावत, मैं आज ही अम्मी के घर पर जा रही हूँ, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे व्लॉग को एंड तक
ज़रूर देखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।